अगला प्रश्न श्री कालीचंद सर आप। प्रश्न संख्या 100। सरकार ने बजट 2022 में मुख्यमंत्री डिजिटल सेवा योजना शुरू करने की घोषणा की है, जिसमें लगभग 1,33,00,000 चिरंजीवी परिवारों की महिला मुखिया को इस योजना के तहत 3 साल के इंटरनेट एक्सेस के साथ मुफ्त स्मार्टफोन दिए जाने हैं। प्रदेश में 1,37,82,951 परिवार दिनांक 31 जनवरी 2023 तक पंजीकृत हैं एवं आ दिनांक तक किसी भी परिवार की महिला मुखिया को मुफ्त स्मार्ट मोबाइल फोन नहीं दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी ने 2022 के बजट में प्रदेश की 1,33,00,000 महिलाओं को स्मार्टफोन दिए जाने की घोषणा की थी और दूसरा बजट अब पेश होने वाला है, तो अभी तक ये स्मार्टफोन नहीं दिए गए, तो क्या इसके लिए बिना बजटीय प्रावधान के ये घोषणा की थी और नहीं की तो अब ये फोन कब तक दे दिए जाएंगे, अभी तक क्यों नहीं दिए? नंबर दो, किस कंपनी को स्मार्टफोन खरीदने के आदेश दिए गए हैं? राज्यपाल महोदय का जो अभिभाषण आया उसमें भी स्मार्टफोन के बारे में कोई जिक्र नहीं है, तो क्या आपने इस योजना को निरस्त कर दिया है या निरस्त नहीं किया, तो कब तक ये फोन देंगे, इसके लिए आप अपने जवाब में बताइए। अध्यक्ष महोदय, वित्तीय प्रावधान पूर्व में 1200 करोड़ का किया, उसके बाद सप्लीमेंट्री डिमांड में 3500 करोड़ का प्रावधान किया गया और वर्तमान में भी 2600 करोड़ का प्रावधान किया हुआ है। इन्होंने ये कहा कि जब बजट प्रावधान नहीं किया, बजट प्रावधान किया हुआ है और इसकी प्रक्रिया चल रही है, प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा और आप क्या चाहते थे? तो ये कब तक देंगे फोन, देंगे एक नहीं देंगे, योजना निरस्त तो नहीं की? ऐसा है अध्यक्ष महोदय, प्रक्रियाधीन है, जैसी प्रक्रिया पूरी होगी इससे आगे बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न जोगिंदर सिंह अवाना। संख्या 101। अध्यक्ष महोदय, आपसे संरक्षण चाहते हैं कि बजट घोषणा 22-23 है और 22-23 पूरा हो जाएगा 1 महीने और 26 दिन के बाद। इस बजट घोषणा की कोई सेंसिटिव है या नहीं है? सेंसिटिव है, तभी तो बजट प्रावधान अध्यक्ष महोदय किया हुआ है। और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सेमी कंडक्टर चिप की आपूर्ति एक तो पर्याप्त नहीं है, केंद्रीय सरकार के बजट में भी अभी मोबाइल फोन